तहलका न्यूज। ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर मंत्री अनिल विज हमेशा से सख्त रहे हैं और वे हमेशा से ही कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी भी देते आए हैं। मंत्री अनिल विज की सख्ताई का ही असर है कि अंबाला में ऑक्सीजन सिलेंडर के कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। बता दें कि अंबाला छावनी के महेश नगर में स्थित एक मकान से तकरीबन 33 खाली ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद किए गए। फैक्ट्री मालिक को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान काला बाजारी के खेल का भंडाफोड़ किया, तो वहीं मामले के बाद से मंत्री अनिल विज ने सख्त कार्रवाई के आदेश दे डाले हैं और काला बाजारी करने वालों को साफ साफ चेतावनी भी दे डाली है। हम जहाँ जहाँ पर ऐसी जानकारी आ रही है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 45 लोगों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं और हम बख्शेंगे नहीं किसी को। ऐसे समय में जो मुनाफाखोरी करने की कोशिश करेगा, चाहे वो मेडिसिन्स में करेगा, चाहे वो सिलेंडर में करेगा या किसी और चीज़ में करेगा, तो हम उनको बख्शेंगे नहीं। वही इस मामले में SHO ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये सूचना मिली थी कि यहाँ 65 नंबर सिलेंडर पड़े, यहाँ मौके पर आके देखा तो करीब 33 सिलेंडर खाली मिले हैं, तो उनको नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? अभी एक लोग को लिया है। काला बाजारी को लेकर मंत्री अनिल विज के तेवर शुरू से ही सख्त रहे हैं और वे शुरू से लेकर काला बाजारी के खिलाफ रहे हैं। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।